Welcome back students. In previous video we understood that tissues, types of tissues, animal tissue, plant tissue, and we have also discussed about types of plant tissues. The first one we have completed, or that is meristematic tissue. Now today we will be going to start very important tissue, that is permanent tissue. Permanent tissues are formed by meristematic tissues when meristematic tissue और सेल्स लूज द एबिलिटी टू डिवाइड. क्या होता है जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करने की एबिलिटी जो होती है उसे लॉस कर देती है या लूज कर देती है. उस कंडीशन में जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी फॉर्मेशन होती है? परमानेंट टिश्यू की. नाउ इज टेक ए स्पेसिफिक रोल. अब क्या रहेगा इसका? एक फिक्स स्पेसिफिक रोल रहेगा. रिजल्टेंट क्या रहेगा इसका? When cells lose the ability to divide and take a specific function, as a result they perform a permanent tissue. Now they perform like as a permanent tissue. Now जब meristematic tissue में क्या होता है? Cell differentiation होता है. Cell differentiation होता है. It means cell अब continuously divide नहीं होगी. सेल अब कंटिन्यूस क्या होगी? डिवाइड नहीं होगी. बट क्या होगा? अब सेल डिफरेंशिएशन होगा. सेल डिफरेंशिएशन होगा जिससे परमानेंट टिश्यू क्या होती है? फॉर्मेशन होती है. नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन? देन वी से द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. आई रिपीट अगेन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. And differentiation lead to the development of various type of permanent tissue. Differentiation lead to the development of various types of permanent tissues. Now the first one is here, permanent tissue. Cell lose एबिलिटी टू डिवाइड. सेल क्या करेगी? अपनी एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी? सेल डिवाइड की क्या कर देगी? उसे लॉस कर देगी. सेकेंड, टेक अप ए स्पेसिफिक फंक्शन, राइट. अब रिजल्टेंट क्या रहेगा? मैंने आपको बता दिया कि परमानेंट टिश्यू की फॉर्म में ये वर्क करेंगे. एज ए रिजल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू. डेफिनेशन सेल डिफरेंशिएशन की मैं नोट कर देता हूं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन is called differentiation. Function is called differentiation. Differentiation. This is very important term. Cell differentiation. Right? Now, किसको लीड करता है? तो वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ परमानेंट टिश्यू, देन वी से इन दी सेल्स ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आर प्रेजेंट. इन दी सेल्स ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आर प्रेजेंट.
वी हैव सीन इन मैस्टमेटिक टिश्यू वैक्यूल्स आर एबसेंट बट हेयर द परमानेंट टिश्यू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन सो दे रिक्वायर्ड ए वैक्यूल सो दे रिक्वायर्ड ए वैक्यूल वैक्यूल क्या करती है फूड को रिजर्व करने के लिए अदर मटेरियल्स को रिजर्व करने के लिए स्टोर करने के लिए क्या करती है रिस्पॉन्सिबल रहती है बिकॉज जो परमानेंट टिश्यू है वेरियस टाइप के फंक्शन क्या करती हैं परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन फॉर एग्जाम्पल बात करूँ अगर जाइलम की तो जाइलम जो स्पेसिफिक फंक्शन करेगा वो कैसा करेगा वाटर कंटेंट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स के लिए और बात करूँ अगर फ्लोएम की तो फ्लोएम कैसा करेगा एज ए फूड मटेरियल के रूप में बात करें अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर अपने पैरेन्काइमा की या बात करें कोलेनकाइमा की पैरेन्काइमा अपने देखेंगे कोलेनकाइमा या एरेन्काइमा पढ़ेंगे ठीक है तो उनका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन रहता है जैसे एरेन्काइमा है उसके भी इसके क्या रहता है इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है जिससे जो फॉर एग्जांपल वाटर लिली है वो फ्लोटिंग करती है वाटर के अंदर सो एग्जांपल वी हैव डिस्कस इन नेक्स्ट टाइप्स नेक्स्ट द सेकेंड वन इज हेयर सेल वॉल इज थिन और थिक सेल वॉल थिन और थिक अब सेल वॉल थिन है या थिक है डिपेंड कर किस पे करेगी तो दे डिपेंड ऑन फंक्शन स्पॉट और कलर किस पे डिपेंड करेगी सेल वॉल थिन है या थिक है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर कि उसका फंक्शन क्या है वो स्पॉट प्रोवाइड करवा रही है या कलर प्रोवाइड करवा रही है राइट नाउ अब यहां पर बात कर लेते हैं किसकी फंक्शंस की मेजर फोर फंक्शंस द फर्स्ट वन इज स्पॉट प्रोटेक्शन स्पॉट सो स्पॉट प्रोवाइड करना सेकंड वन इज फोटोसिंथेसिस बिकॉज इन परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू है क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट वहाँ क्या होता है क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिससे वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस शो करते हैं सेकेंड वन इज स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन स्टोरेज कहाँ करेगा वैक्यूल की फॉर्म में वैक्यूल के अंदर एंड प्रोटेक्शन These are some important functions of permanent tissue. Now, we understood why a diagrammatic view This is meristematic tissue. Meristematic tissue. When in meristematic tissue सेल डिफरेंशिएशन अकर देन द फॉर्म परमानेंट टिश्यू इट मीन्स दे लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवाइड नाउ हेयर टू टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म द फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वी डिस्कस अबाउट मेजर टू कैटेगरीज दैट इज फ्लोएम एंड जाइलम एंड In simple permanent tissue, we have discussed about three types of tissue. That one is, the first one is parenchyma. The second one is colenchyma. And third and last one is sclerenchyma. These are three types of simple permanent tissue and these are two types of complex permanent tissue. That one is phloem and second one is xylem. Now,
व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू की जो फॉर्मेशन होती है वो एक ही टाइप्स की सेल्स से होती हैं, एक ही टाइप्स की सेल्स हो रही हैं। सोचिए, दीज सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। केसियों की सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होगी, दोनों सिमिलर होंगी। उन सेल्स के थ्रू किसकी फॉर्मेशन होती है? सिंपल परमानेंट टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन इज इन परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। Now we will discuss about simple permanent tissues. Now what is simple permanent tissue? We have already discussed what is simple permanent tissue. It means cells are structurally and functionally similar. It means one type of cells. एक ही जैसी cells से क्या होती है, इनकी formation होती है। और कैसी रहेंगी वो, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कैसी रहेंगी, सिमिलर। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स। द फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा, द सेकंड वन इज कोलेन्काइमा एंड थर्ड वन इज सकलेन्काइमा। नाउ वी स्टार्ट पैरेन्काइमा। इफ वी टॉक अबाउट द ऑक्यूरेंस ऑफ पैरेन्काइमा इन ए प्लांट, एक प्लांट के अंदर अगर बात करें कि कहाँ कहाँ पैरेन्काइमा प्रेजेंट हो सकता है, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। स्टेम, लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, ये क्या है, ऑक्यूरेंस ऑफ पैरेन्काइमा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमा, देन दे हैव ए सेल वॉल, वेरी थिन सेल वॉल प्रेजेंट, दे आर लिविंग अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, दे आर लूजली अरेंज्ड। यहाँ पैरेन्काइमा के टिश्यू जिन सेल्स के थ्रू बन रही हैं, या जिन सेल्स के थ्रू पैरेन्काइमा टिश्यू की फॉर्मेशन हो रही हैं, वो सेल्स क्या होंगी, लूजली अरेंज्ड होंगी। थस लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स, जिससे इन सेल के बीच क्या होगा, एक लार्ज स्पेस प्रेजेंट रहेगा। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेस। फॉर एग्जांपल, दिस इज ए परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। In these cells, here space are present, a large space are present. This is intercellular space. Intercellular space, right? Now, structure. The first one is thin cell wall. They are living. कैसे रहेंगे ये, लिविंग कंडीशन में, दे आर लिविंग सेल्स एंड दे आर लूजली अरेंज्ड, दे आर लूजली अरेंज्ड, थस लार्ज स्पेस present between
सेल्स इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इंटरसेलुलर स्पेस फंक्शन, तो यहाँ क्या रहता है कि फूड स्टोरेज टिश्यू भी अपने से बोल सकते हैं, पेन का मजू है क्या बोल सकते हैं फूड स्टोरेज टिश्यू, बिकॉज हेयर ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आर प्रेजेंट एंड इंटरसेलुलर स्पेस आर ऑल्सो प्रेजेंट, सो द फंक्शन इज फूड स्टोरेज फंक्शंस। कुछ कंडीशंस की बात करें, इन सम कंडीशंस यहाँ कोलेनकाइमा एंड एरेनकाइमा टाइप्स की बात करें, अगर पेरेनकाइमा के तो टू टाइप्स रहते हैं, कौन कौन से, कोलेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। नाउ व्हाट इज कोलेनकाइमा एंड व्हाट इज पेरेनकाइमा। सम सेल्स क्या करती हैं, क्लोरोफिल को कंटेन करती है एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इन सम कंडीशंस में क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज कोलेनकाइमा, इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, राइट, it contains chlorophyll and performs photosynthesis. It means they make their own food and then it is called कोलेनकाइमा। इन सिंपल लैंग्वेज इसे जिन सेल्स के पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो सेल्स कौन सी रहेंगी, कोलेनकाइमा। अब बात करें एक्वाटिक प्लांट्स की, तो वी हैव सीन सम एक्वाटिक प्लांट्स आर फ्री फ्लोटिंग इन वाटर, वाटर के अंदर क्या करते हैं फ्री फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इसका रीज़न क्या रहता है कि इनके अंदर एक लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट रहती है, जो हेल्प प्रोवाइड करती है उनको क्या, फ्री फ्लोटिंग करने के लिए। और इस टाइप्स के सेल्स को अपने क्या बोलते हैं, इस प्रकार के पेरेनकाइमा टाइप्स को अपने क्या बोल देंगे, एरेनकाइमेटस और एरेनकाइमा। सेकेंड वन इज एरेनकाइमा, वी हैव अंडरस्टैंड कोलेनकाइमा, नाउ वी अंडरस्टैंड एरेनकाइमा। क्या होता है इन एक्वाटिक प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली अपने कहते हैं वाटर लिली क्या होता है, एक वाइट कलर का फ्लावर जो होता है, वो कितना भी डेप्थ के अंदर पानी हो उसके अंदर क्या करता है, फ्री फ्लोट करता रहता है। इन एक्वाटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट क्या रहेगी, लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल क्या रखते अपने वाटर लिली, कहां प्रेजेंट होगी, इन पेरेनकाइमा, बिकॉज इट इज टाइप ऑफ पेरेनकाइमा, प्रेजेंट इन पेरेनकाइमा, एंड दी सेल आर नोन एज एरेनकाइमा। और हेल्प किसे प्रोवाइड कर रही है, हेल्प फ्लोट, फ्लोट करने में क्या कर रही है, हेल्प प्रोवाइड करवा रही है। सच टाइप ऑफ सेल्स और पेरेनकाइमा आर इज कॉल्ड एरेनकाइमा, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेते अपने यहाँ पे किसका, वाटर लिली यहाँ इसका एग्जाम्पल नहीं है। अब एरेनकाइमा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो बाउंसिंग टू पार्ट्स प्रोवाइड, एरेनकाइमा क्या करता है, प्रोवाइड बाउंसिंग टू पार्ट्स प्लांट के पार्ट्स को एंड हेल्प टू फ्लोट। सो सेकेंड वन वो इम्पॉर्टेंट रीजन हेयर इज लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट, सो यहाँ की सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं,
लूजली अरेंज्ड होती हैं, क्या होती हैं, लूजली अरेंज्ड होती हैं, जिससे यहाँ क्या बन जाती है, एक लार्ज एयर कैविटी, क्या बनती है, लार्ज एयर कैविटी। सो दिस इज पेरेंट काइमा। नेक्स्ट वन इज कॉलन काइमा। वी हैव डिस्कस अबाउट कॉलन काइमा एंड सकलेन काइमा इन आवर नेक्स्ट वीडियो। होप सो यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। If you like my lecture or video, then subscribe my YouTube channel Biology by Rameshwar. Thank you and have a nice day.